अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं शेख फरदीन और आप देख रहे हैं फरदीन डिजाइनर। बेहतरीन वीडियो के साथ हम आपके बारगाह में हाजिर हुए हैं। ये वीडियो का जो भी मेटेरियल होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। वीडियो शुरू करने से पहले आपके बारगाह में एक यारी जाहिर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए सबसे पहले हम पिक्सल लैब की ज़रूरत पड़ेगी इस फॉन्ट ग्लास फॉन्ट को बनाने के लिए। उसके लिए पिक्सल लैब आपको प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से ओपन करेंगे, उसको डाउनलोड करने के बाद ए में आएंगे, एडिट में आएंगे और यहाँ पे इस टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। तो हम यहाँ पे सना लिखते हैं। सना लिखने का यहाँ पे ओके कर देंगे, टी को क्लिक करके, और यहाँ से इसको थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। नीचे डाउन पे आएंगे, स्क्रॉल डाउन, ए बी फॉन्ट में आएंगे और माय फॉन्ट में आके डोपिस्ट फॉन्ट का नाम है वो हम ले लेते हैं। तो ये वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉन्ट। इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपेरेंट में आएंगे, मेमोरी में आएंगे, सेव एज इमेज में आएंगे और डिफ़ॉल्ट में आएंगे अल्ट्रा पे रख के सेव टू गैलरी कर देते हैं। अब स्विच करते हैं पीएस टच एप्लीकेशन की तरफ। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो अब हम आ चुके हैं पीएस टच एप्लीकेशन में और यहाँ पे नेम बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लिया है मैंने। अब नेम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आएंगे, प्लस के आइकन पे आएंगे, फोटो लेयर फोटो लाइब्रेरी में आएंगे और वहाँ पे फोल्डर ढूंढेंगे, यहाँ पे है मेरा नाम, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सना को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम कोई लेयर नहीं बनाने वाले, इसी लेयर पे हम काम करेंगे। पहले इफेक्ट्स में आएंगे, बेवल में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बलर हम 15 कर देते हैं, डिस्टेंस भी हम 15 कर देते हैं, एंगल हम क्या करेंगे 180 कर देते हैं। उसके बाद इफेक्ट्स में आएंगे, बेवल में आते हैं और यहाँ पे एंगल हम क्या कर देते हैं 45 कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्व में आएंगे, यहाँ पे टू लाइन एक कर्व में आएंगे। उसके बाद इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से हम रखने वाले हैं, हमने इसके सेट में रख दी, यहाँ पे इस तरह से ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इफेक्ट्स में आएंगे, बेवल में आते हैं और यहाँ पे इसकी एंगल जो है यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आके नॉर्मल पे आके ये कर देते हैं। उसके बाद इफेक्ट्स में आएंगे और टिंट में आ जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कलर सी के मिलते कुछ मिलता जुलता कलर हम अप्लाई करेंगे। ये तो मैंने ये अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे हम मर्ज कर देते हैं, मर्ज डाउन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, प्लस के आइकन पे आके डुप्लीकेट लेयर पे क्रिएट करेंगे और नीचे वाले लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे और सेलेक्ट पिक्सल करेंगे और यहाँ पे आके इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंड पे आएंगे, फिल एंड स्ट्रोक पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम स्ट्रोक दे देते हैं, इसको यहाँ पर डिसलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफेक्ट्स में आएंगे, बेवल में आ जाएंगे। उसके बाद बेवल हम यहाँ से क्या करेंगे, 5 कर देते हैं, डिस्टेंस भी हम यहाँ से 5 कर देते हैं और एंगल हम यहाँ पे 180 कर देते हैं, ओके कर देंगे। इफेक्ट्स में आएंगे, यहाँ पे आएंगे और एंगल यहाँ पे हम 45 कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे और कर्व हम ले लेते हैं। कर्व लेने के बाद यहाँ पे इफेक्ट्स में आएंगे, फ़ोटो में आएंगे, फ़ोटो सनी आफ्टरनून हम अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लेयर पे आएंगे, इस लेयर पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे जी, इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पेंसिल में आएंगे, ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे आएंगे और इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा इसको बढ़ा के हम 13 तक लेके आएंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद एम्प्टी लेयर पे क्रिएट करेंगे, ओके कर देंगे और इसको ऊपर ले आएंगे, ठीक है। इसको ऊपर लाने के बाद यहाँ पे ड्रॉप एंड पे आएंगे, फिल एंड स्ट्रोक पे आएंगे और यहाँ पे इसकी हम विथ ये क्या नाम है 4 कर देते हैं, ओके कर देंगे और यहाँ पे हम करेंगे। अब इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ इफेक्ट्स में आएंगे, बेसिक में आएंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी बलर 2 डिस्टेंस और यहाँ पे हम
कॉपी कर देते हैं और यहाँ से हम A180 कर देते हैं, प्रीफिक्स में आके यहाँ पे आके 45 कर देते हैं। अब इसको भी हम टू लाइन में आके हम इसको भी कर्व दे देंगे। कर्व देने के बाद इसी में रहेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, टिंट हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद इसी पे सेलेक्ट रहेंगे, इफेक्ट्स में आएंगे, ड्रॉप शेडो दे देते हैं। ड्रॉप शेडो यहाँ पे हम दो नहीं सॉरी हम फोर्थ एंगल 140 कर देते हैं हम यहाँ पे दे दिए। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, इफेक्ट्स में आएंगे, ड्रॉप शेडो सेम सेट है यहाँ पे 2 F4 और यहाँ पे 140। उसके बाद इसमें भी आएंगे, इफेक्ट्स में आएंगे, ड्रॉप शेडो पे आएंगे और वही सेम सेटिंग यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इफेक्ट में प्लस के आइकन पे फोटो लेयर पे दी। फिर हम यहाँ पे एक PNG अपलोड करने वाले हैं। PNG अपलोड करने के लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, मेरे पास PNG है, ये वाली PNG हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। तो इसको सॉरी जी ओके कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आएंगे और इसको बेवल दे देते हैं बेवल देने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे, ड्रॉप शेडो दे देते हैं। ड्रॉप शेडो देने के बाद हम इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना देते हैं। अब इसको दोनों को मर्ज कर देंगे, ठीक है। मर्ज करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉपी बना लेते हैं इसकी, एक कॉपी यहाँ पे, एक कॉपी कॉपी यहाँ पे इस तरह से। उसको यहाँ पे नीचे आएंगे और इसको तीनों को हम मर्ज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस के आइकन पे आएंगे, फोटो लाइब्रेरी, इसी में और एक PNG हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। PNG यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ये वाले PNG। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम यहाँ पे गोल घुमा देते हैं। गोल घुमाने के बाद उसको यहाँ पे कुछ इस तरह से रख लेते हैं और ओके कर देंगे। ये हमारे कुछ इस तरह से बनके ये तैयार है। अब इसको क्या करना है, इसमें मज़ीद खूबसूरती के लिए आप चाहे तो यहाँ पे ग्लो दे सकते हैं, मगर मैं ग्लो नहीं दूँगा। देख लेते हैं, अगर ग्लो अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, दे देते हैं। चलिए ग्लो दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से मर्ज डाउन कर दीजिएगा। मर्ज डाउन करने के लिए यहाँ पे आइए, मर्ज डाउन कर दीजिए पूरे को एक लेयर में कन्वर्ट। यहाँ पे आइए, ग्लो दे दीजिए, ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पे आएंगे और एक डुप्लीकेट लेयर करेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे और मर्ज डाउन कर देंगे। फिर एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। फिर यहाँ पे आएंगे और मर्ज डाउन कर देंगे। ये हमारा बनकर तैयार है। इसको यहाँ पे सेव करने के लिए डन पे आएंगे, सेव में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये सेव हो चुका है।